हेलो एवरीवन होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़ तो कैसे आप सब लोग आज हम करेंगे पेपर सॉल्यूशन जो कि 2023 का नॉर्सट का एग्जाम है देखो मेरे को पता है कि जो पेपर है वो लीक हो चुका है सो so, एम्स की अथॉरिटीज़ को उसके बारे में पता चल गया है अब एम्स अपने आप में ही एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है तो ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी जो है वो डिसीज़न आप लोगों के खिलाफ होगा ठीक है बिकॉज़ नया एग्ज़ाम वो लेंगे नहीं ऑब्वियसली एक एग्ज़ाम होने में बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है ठीक है बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है तो ऐसा तो है नहीं कि वो नया एग्ज़ाम ले लेंगे ठीक है तो ऐसा कुछ नहीं होगा ठीक है आप उस चीज़ की टेंशन मत लीजिए बिकॉज होपफुली जो डिसीज़न है मे बी वो ऐसा ही हो कि जहाँ के सेंटर से जो पेपर लीक हुआ है वहीं के सेंटर वाले बच्चों का वो एग्ज़ामिनेशन कैंसिल हो ठीक है तो आप इस चीज़ की टेंशन ना लेके अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए देखिए जो अपडेट है वो आपको मिल ही जाएगा और एट दी एंड जो अब डिसीज़न होगा वो एम्स की अथॉरिटीज़ का ही होगा ठीक है तो जो उनका डिसीज़न होगा वो खुद ब खुद आ जाएगा आप उसका वरी मत कीजिए ठीक है टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा आपके ठीक है हाँ आप एक काम कर सकते हैं कि आप मेल कर सकते हैं एम्स में कि आप उन्हीं का पेपर उनको स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए जिन्होंने इतनी बड़ी दिक्कत की है बिकॉज लोगों ने साल साल मेहनत करते हैं एक पेपर देने के लिए एम्स का और अपना इतना टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अपने अपनी हार्डवर्क पे विश्वास रखिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करिए क्योंकि देखो अगर अथॉरिटीज तक बात चले गई है एम्स एक अपने आप में बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है टॉप टेन में से एक आता है तो फिर वो अब कोई डिसीज़न लेगा तो सोच समझ के ही लेगा और मोस्टली प्रॉबेबली मोस्ट प्रोबेबली वो आपके हक में ही लेगा ठीक है तो आप इस चीज़ की टेंशन मत लीजिए अगर कोई और भी अपडेट आता होगा तो मैं आपको उसकी वीडियो डाल दूँगी ठीक है पर अभी तक की यही है कि एम्स की अथॉरिटीज़ तक ये चीज़ चले गई है ओबियसली और जहां तक वो आ, स्क्रीनशॉट की बात है ठीक है जो क्वेश्चंस लीक हुए हैं वो सिक्सटी टू सेवेंटी क्वेश्चंस हैं मे बी एम्स आगे पीछे वाले दस बच्चों का देखे और उस सेंटर के बच्चों का देखे कि सबका सही है मतलब वो पूरा इन्वेस्टिगेट करेगा अपने हिसाब से तो आप टेंशन ना लीजिए और अपने जो स्टडी है वो कॉन्टिन्यू रखिए नेक्स्ट पेपर के लिए भी ठीक तो है तो हम स्टार्ट करते हैं विद आर फर्स्ट पॉइंट ठीक है तो हमारा फर्स्ट पॉइंट जो एक क्वेश्चन आपको आया था दैट इज़ द एवरेज आईक्यू ऑफ 95 परसेंट पॉपुलेशन इज 90 टू 120 देखो जो एवरेज आईक्यू है 95 परसेंट पॉपुलेशन का वो 90 से 9, uh, 120 है नॉर्मली भी जो नॉर्मल आईक्यू होता है वो 90 से 18 या फिर 110 होता है ठीक है और 95 परसेंट ऑफ पॉपुलेशन में यही सबसे ज़्यादा क्लोज जो था वही ऑप्शन था दैट इज़ नाइन्टी से वन नेक्स्ट है मोस्ट देखो मोस्ट कॉमन विड्रॉल सिम्टम ऑफ अल्कोहल इज ट्रैमर ये मैं क्वेश्चन करा चुकी हूँ अपने एम के पार्ट्स में तो प्लीज़ उनको ध्यान से पढ़िए उसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चन करा चुकी हूँ आपने देखा होगा नॉर्थ सेट के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन सेम आए हैं ठीक है ठीके? तो जो भी पेशेंट जो है अल्कोहल छोड़ता है उसको विद्रॉल सिम्टम जो मोस्ट कॉमन आता है वो होते हैं उसके ट्रैमर्स ठीक है उसके बाद नेक्स्ट है मेमोरी लॉस शुड बी असेस्ड बाय द नर्स इन अ थायमिन डेफिशिएंसी ये भी क्वेश्चन में करा चुकी हूँ कि थायमिन डेफिशिएंसी बी नाइन की डेफिशिएंसी जो है वो अल्कोहलिक पेशेंट्स में देखी जाती है और उनमें सबसे ज़्यादा क्या असेस्ड करना होता है मेमोरी लॉस्ड ठीक है तो मेमोरी लॉस जो है उसमें असेस किया जाता है नर्स से अगर किसी को थायमिन डेफिशियसी है नेक्स्ट है क्लोज एंगल ग्लूकोमा एट्रोपिन इज नॉट गिवन क्वेश्चन था कि एट्रोपिन किस में नहीं दी जाती है तो क्लोज एंगल ग्लूकोमा में जो एट्रोपिन है नहीं दी जाती है बिकॉज जो एट्रोपिन है वो वहाँ पे कॉम्प्लिकेशन कर सकती है बाकी आई थिंक ऑप्शन थे एक तो ब्रेड ब्रेडिकार्डिया था तो ब्रेडिकाडिया में भी एट्रोपिन दी जाती है ठीक है और एलर्जी था एक ऑप्शन उसमें भी एट्रोपिन दी जाती है बट ग्लो क्लोज एंगल ग्लूकोमा में जो एट्रोपिन है वो कॉम्प्लीकेशन क्रिएट करती है इसलिए वो हम नहीं देते नेक्स्ट है स्पायरोन इलेक्ट्रॉन इज नॉट गिवन इन अ क्रॉनिक किडनी डिसीज़ देखो सी में स्पायरोन इलेक्ट्रॉन नहीं दिया जाता सी में क्या होता है कि जो पोटाशियम रिस्ट्रिक्शन डाइट दी जाती है ये भी मैं आपको करा चुकी हूँ और स्पायरोनलेक्ट्रॉन क्या है पोटाशियम डायूरेटिक है वो पोटाशियम की ऑब्जॉब्शन बॉडी में कराता है उसको एक्सक्रीट नहीं होने देता तो सी में तो ऑलरेडी पोटाशियम हमने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है बिकॉज किडनी जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है और पोटाशियम जो है वो बाहर नहीं निकाल रही है तो अगर हमने उसको स्पायरोन इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उसको ऑलरेडी हाइपर के लिए की स्टेट वाले पेशेंट को ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी और उसको कार्डियक अरेस्ट होने के के चांसेस हैं बिकॉज पोटासियम एक कार्डियक आयन है नेक्स्ट पे चलते हैं मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पायोजेनिक मैनेंजाइटस इन एडल्ट इज बीटा हेमोलिटिकॉक स्ट्रेप्टोकोकस तो देखो ये भी क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ मैनेंजाइटस का कि जो मोस्ट मोस्ट कॉमन पायोजेनिक मैनेंजाइटस एडल्ट में किस चीज की किस कॉज की वजह से होता है बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि इन कौन सी इंसुलिन को बेजल इंसुलिन बोली जाती है विच इंसुलिन इज कॉल्ड अ बेजल इंसुलिन तो डेग्लोडेक इंसुलिन को क्या बोला जाता है हम बेजल इंसुलिन बोला जाता है नेक्स्ट पे चलते हैं तो क्वेश्चन था विच इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एंटी सुसाइडल ड्रग्स तो ऑप्शन में क्लोजापाइन एंड फ्लेक्सो फ्लॉक्सटिन था तो ये दोनों क्या है एंटी सुसाइडल ड्रग हैं उसके बाद है प्रॉयर्टी नर्सिंग एक्शन इन फीमेल विद प्री मेच्योर अप्चर ऑफ मैम्रेन इज़ टू असेस फीटल हार्ट रेट देखो जब भी किसी फीमेल में लेबर टाइम प्री मेच्योर अपचर ऑफ़ मैमबरेज हो तो हमें क्या असेस करना पड़ता है एफ एच आर क्योंकि बेबी का जो देखना है कि वो हेल्दी है अंदर मतलब उसको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही कहीं डिस्ट्रेस में तो नहीं जा रहा कुछ हो तो नहीं रहा ठीक है तो उसको कैसे असेस कर पाएंगे हम फीटल हार्ट रेट से ही असेस कर पाएंगे नेक्स्ट है कि हमने ऑस्कल्टेशन करनी है फॉर एपिकल पल्स तो हम कौन सी लोकेशन से करेंगे तो वो होती है फिफ्थ इंटरकॉस्टल एट द लेफ्ट मिड क्लैविकुलर लाइन फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में लेफ्ट मेडिकुल मिड क्लैविकुलर लाइन की तरफ को हम ऑस्कल्टेशन करते हैं एपिकल पल्स की तो मिंजो सील इज कवर बाय द एन एस गॉज देखो अभी मैंने ये स्पाना बायफिडा थोड़े दिन पहले ही टॉपिक आपको कराया है तो देखो उसका जो सैक होता है उसको ऑलवेज कवर करते हैं एन एस डिब्ड गॉस से एन एस डिब्ड गॉस से ही करते हैं कभी भी ड्राई गॉस से नहीं करेंगे क्योंकि वो वहाँ पे इरिटेशन कर सकता है तो मनिंजो सील इज अ स्पाइना बायोफिडा की सब uh, टाइप ठीक है दो टाइप होती है मिनजो कोकल और मिनिजो सील और मायो सील ठीक है तो स्पाइना स्पाइनाबायोफिडा ओकल्टा और स्पाइना स्पाइनाबायोफिडा सिस्टिका स्पाबिडा बायोफिडा सिस्टिका में आ जाता है मिनिजो सील तो नेक्स्ट है टू प्रिवेंट द चांस ऑफ क्लॉटिंग इन सिक्कल सेल एनीमिया बाय इंक्रीजिंग द फ्लुइड बाय द माउथ देखो अगर किसी को सिक्कल सेल एनीमिया है तो उसके क्लॉट को प्रिवेंट करने के लिए हमें इंक्रीज करने पड़ेगा फ्लूइड का इनटेक बाय द माउथ नेक्स्ट है अर्ली सिम्टम ऑफ मैनजाइटस इन न्यूनेट्स इज हाई पिच क्राई तो मैनेंजाइटस का देख लो बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे हैं मैनजाइटस में न्यू नेट्स में हाई पिच अगर बच्चा क्राई कर रहा है तो वो क्या होता है अर्ली सिम्टम ऑफ अ मैनजाइटस ऑब्वियसली अगर इन्फ्लामेशन होगी तो बच्चे को इरिटेशन होगी क्योंकि जिस ब्रेन में ऑब्वियसली उसको हेड में कुछ लगेगा तो वो हाई पिच क्राई करेगा तो टिल द 24 फोर मंथ द हाइट ऑफ अ चाइल्ड इज मेजर इन लाइन डाउन पोजिशन देखो अगर किसी चाइल्ड की हमने लाइन डाउन पोजिशन कितनी एज तक जो है मेजर करते हैं तो हाइट कितनी एज तक 24 मंथ्स तक बहुत सारे ऑप्शंस थे तो 24 मंथ्स मंथ जो है बिल्कुल वो सही था मिनिमम बिली लेवल फॉर फोटोथेरेपीज़ फ़िफ्टीन एम जी पर डेसी तो मिनिमम बिली लेवल जो है फ़ोटोथेरेपी का वो कितना होना चाहिए फिफ्टी एम पर डेसी लीटर ठीक है सो so, ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि नॉर्थ के 2023 में आ रखे हैं आई होप ये आपको ठीक लगे हों और पसंद आए हों अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू तो माई चैनल फॉर मोर अपडेट अगर कोई अपडेट आता है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी और आप वरी मत कीजिए क्योंकि एम्स एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है वो कुछ ना कुछ अच्छा डिसीजन ही लेगा इसके लिए और एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा सो विदाउट एनी वरीज़ अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखिए एंड ऑल द बेस्ट थैंक यू